अखिल भारतीय अग्रवाद सम्मेलन द्वारा गठित श्री अग्रसेन फाउंडेशन के तत्वावधान में हरियाणा स्थित अग्रोहा धाम में बनने वाले आद्य कुलदेवी महालक्ष्मी के मंदिर को लेकर निकाली जा रही कुलदेवी जन आशीर्वाद यात्रा शुक्रवार को ब्यावर पहुंची। इस दौरान आद्य महालक्ष्मी का यात्रा रथ शहर के सात पुलिया स्थित फतेहपुरिया बगीची पहुंची। यात्रा रथ के यहां पहुंचने पर अग्रवाल समाज ब्यावर की ओर से बैंड बाजों के साथ यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान उपस्थित समाज बंधुओं ने महालक्ष्मी जी की महाआरती उतारी। महाआरती के दौरान पूरा माहौल महालक्ष्मी के जयकारों से गूंज उठा। यात्रा स्वागत तथा महाआरती के दौरान अग्रवाल समाज अध्यक्ष नितेश गोयल, भरत कुमार मंगल, मंत्री पवन कुमार रायपुरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक पंसारी, जिला अध्यक्ष गिरधारी लाल, जिला कोषाध्यक्ष पीयूष अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, प्रदीप बंसल अध्यक्ष अग्रवाल संघ अजमेर, विनय गुप्ता, निर्मल बंसल, रमेश बंसल, आरसी गोयल, बालकिशन गुप्ता, नितेश गोयल, राजकुमार गोयल, अमित बंसल, श्रवण बंसल, मोहन गर्ग, चिराग गर्ग, मुकेश गर्ग, राजेंद्र मंगल, अशोक गोयल, प्रेम जिंदल, जगदीश रायपुरिया, सुनील सिंघल, अतुल सिंघल, पंकज बजारी, कमल जिंदल, आलोक गुप्ता, टीकम गोयल, शैलेंद्र गुप्ता, सतीश गर्ग, राजेंद्र सर्राव तथा कमल आदि शामिल थे। मालूम हो कि हरियाणा स्थित अग्रोहा धाम में 108 फीट ऊंची 1108 किलो वजनी महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित होगी। इस हेतु 18 रथों पर सवार होकर आद्य महालक्ष्मी की जगह जगह यात्रा भ्रमण कर रही है।